हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन लाइफ। होप आप सब वीडियो देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, राइट। मैं अपने साइड से मेहनत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो और पढ़ाई करो। आगे कुछ बनना है तो अभी मेहनत करो, अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा, राइट। एनीवे चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ही, चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी 9 क्लास। उसमें अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने पूरे इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी थे सब सॉल्व कर चुका हूं, होप्स आपने देखे होंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उसको शेयर करो, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि बाकी बच्चों को भी उसका नॉलेज मिले, राइट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम, इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अंडरलाइन दैट वर्ड, इज रिड्यूस्ड टू हाफ। प्लीज स्विच ओवर टू ब्लैकबोर्ड पर देख लो आप लोग, ब्लैकबोर्ड पर देखो तो ध्यान दो क्या करना है आपको। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूं आपको, देखे होगा आपने। यू नो इफ यू कंसीडर टू बॉडी, जस्ट पहले डायग्राम से समझो, डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कई बातें डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहती है, डायग्राम पे ध्यान दो। जैसे एक मैंने बॉडी लिया, अर्थ का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, सपोज हैविंग मास कैपिटल एम, एंड वी कंसीडर अनदर बॉडी हैविंग मास स्मॉल एम, है ना। इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोज आपका, मैं बताया था आपको, कैपिटल आर ले सकते हो, स्मॉल आर ले सकते हो, डी ले सकते हो, बस डायग्राम में जो लोगे इधर दिखना चाहिए ध्यान रखो, बस कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो डी भी ले सकते हैं, डी ला डी लो, आर ले तो आर लो। सपोज यहाँ पे मैं आर ले रहा हूँ, चलो सिंबॉलिकली मैं चेंज कर दूँ, आपको याद रखना चाहिए स्मॉल आर लिया मैंने। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स से जाते हैं आप, न्यूटन को याद करते हो तो फोर्स क्या बोलेंगे, जी टाइम्स एफ एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आपको बता रहे हैं जी कॉन्स्टेंट है, एम मास अर्थ का मास कांस्टेंट है, ईवीएम कांस्टेंट है, आर को वेरी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम को आर को वेरी करना, बाकी पैरामीटर फिक्स रखना है, ध्यान रखो सिर्फ आपको आर को वेरी करना है। होप्स आपको समझ में आ रहा हूं क्या बोल रहा हूं। तो अपन सपोज को लेते हैं एफ1, पहले केस को लेते हैं एफ1, उसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब क्या बोल रहा हूं, बॉडी दोनों वही है बट उनके बीच का डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर रहा हूं, कितने रिड्यूस करा, हाफ कर रहा है। तो अगर आप डायग्राम में देखते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो पहली बॉडी है हैविंग मास एम, दूसरी बॉडी जो है वो क्लोज आ जाएंगी, राइट। इसका मास स्मॉल एम था, अब इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का वो आर बाय टू बोल रहा हूं। देखो डायग्राम समझ में आता है, सिंपल लॉजिक है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा, खुद सोचो थोड़ा लॉजिकली सोचो। डिस्टेंस कम हो रहा है, क्लोज आ रहे, नेचुरली देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। इट इज सिमिलर टू मैग्नेट, एक मैग्नेट है एक नीडल है, डिस्टेंस ज्यादा था, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर रखे थे, वीक फोर्स था उसके बीच में, मैं नीडल को क्लोज ला रहा हूं, उसके मैग्नेट को क्लोज लेके डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा हूं, तो नेचुरली उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वही आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो सो डायग्राम से आपको समझ में आ गया, मैथमेटिकली देखो आप कैसे करोगे। तो ये होगी पहली केस। अब क्या करना है आपको, जो आर की वैल्यू है उसको अपन चेंज कर रहे हैं ना, आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं अपन, आर चेंज हो रहा है आपका आर बाई टू से, रिड्यूस टू हाफ बोला है उसने। तो क्या इक्वेशन बनेगी एफ टू की, F2 should be equal to G constant है, M constant है, small m constant है। यहाँ पे in place of R, R by 2 डालना है आपको, R by 2 का whole square। तो अगर solve करते हो तो F2 should be equal to G times M M upon, ये हो जाएगा आपका R square, 2 का square 4 होता है, 4 ऊपर आ जाएगा, तो into आ जाएगा 4, है ना? तो mark it by equation number 2। Now from 1 into देखो, ये जो value है, ये nothing but आपका F1 है। राइट, यहां लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 गिव्स, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट वैल्यू पुट अप करना है, यहां पे वैल्यूज पुट अप करना है उसकी। देखो वही इक्वेशन बनी आप जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो व्हाट यू गेट, एफ टू शुड बी इक्वल टू, इसके जगह आ जाएंगे एफ वन, 4 को पहले लिख रहा, 4 टाइम्स एफ वन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब,
कि जो आपने जब रेडियस आपको रिड्यूस किया, डिस्टेंस रिड्यूस किया आपने हाफ, तो नेचुरली उसका फोर्स बढ़ता है, दिख रहा है कितने टाइम्स बढ़ गया, कितने टाइम्स बढ़ गया, फोर टाइम्स बढ़ गया, वो उसमें लिखना है। होप्स आपको समझ में आऊंगा, मतलब जब आप डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ करोगे तो उसका जो फोर्स रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाय फोर टाइम्स। सेम प्रॉब्लम में वैल्यू चेंज किया जा सकती है, उसने वन थर्ड कर दिया होता, डिस्टेंस यहाँ पे वन थर्ड कर दिया होता, आर बाय थ्री कर दिया होता, तो यहाँ पे क्या आता था, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के देखना। अगर मैंने यहाँ पे आर बाय थ्री कर दिया होता, वन थर्ड कर दिया होता, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो होप्स आपको समझ में आऊंगा, जल्दी से इसको नोट्स लिख लो, राइट ऑन इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव, यहां से लिखना आपको, मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूं, वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन वन लिखो, अब पॉज करके उसको लिख ले रहा बाद में, इक्वेशन वन लिखना आपको, डायग्राम बनाना है बाद में लिखना आपको यहाँ पे। नाउ मैंने नाउ बोला, काउ नहीं बोला, नाउ 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 आर इक्वल टू आर बाय टू, एफटी को लिखो, इक्वेशन टू तक आ जाओ, पॉज करके लिखो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा उसमें, उसका लिखो फ्रॉम इक्वेशन, लिखो बाइजिंग इक्वेशन वन इन टू गिव्स एफ टू इज इक्वल फोर टाइम्स एफ वन, लास्ट लाइन, हेंस इफ द डिस्टेंस इज, हेंस इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, then the gravitational force becomes, then the gravitational force becomes four times, reduced to half condensed karo, four condensed karo, four times larger than the previous value. Hope so aapko samajh mein aayega. Thank you very much. Good time. Goodbye. Like karna bhulna mat, subscribe karke rakho usko. Thank you very much. Aise ek video laate rahunga. Goodbye. Bye.